तो हेलो फ्रेंड, आप लोग आप लोग जानते हो जेंडर थेरेट से हम लोग डेटा ट्रांसफर और डेटा वीडियोस फोटोज जब वगैरह होते हैं हम लोग एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफर करते हैं। तो आप लोग जानते हो वो सब चाइनीज ऐप है, वो सब फाइनली बैंड हो चुका है। तो अभी हम ट्रांसफर करेंगे तो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफर करेंगे, अभी कौन कैसे करेंगे, कौन सा ऐप से करेंगे, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक नया ऐप लॉन्च कर दिया है इंडिया में, इंडियन ऐप है, तो उस ऐप का नाम है जपाया। और लुक देख सकते हो, इस तरीके से लुक है। इस ऐप से आप बेस्ट ऐप यही है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप इस ऐप से एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो चले अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हेलो फ्रेंड, फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। पहले तो आपको इस ऐप को अपडेट कर लेना है। इस ऐप का नाम है जपाया। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से इस ऐप का लुक है। तो इस ऐप को करते हैं ओपन। तो ऐप ओपन हो जाने के बाद कुछ यहाँ पे लोड हो रहा है, देख सकते हो। ऐप ओपन हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। मेरे पास फ़िलहाल दूसरा फ़ोन नहीं है, मैं आपको एक ही फ़ोन से स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ऐप्स, यहाँ पे फ़ोटोज़, वीडियोस, ऑडियो, आपका यहाँ पे आप फाइल में से भी आप कोई एक को कुछ भी, मैं फ़िलहाल यहाँ पर ऐप्स पर जाता हूँ। तो मुझे जस्ट कोई भी एक ऐप को देना है, कोई भी एक ऐप। तो मैं यहाँ पर एम एक्स प्लेयर है मेरा। तो जस्ट मैंने कब आपको पहले करना क्या है, एम एक्स प्लेयर को देना है। इस पहले एम एक्स प्लेयर को क्लिक करना, यहाँ पे शेयर लिखा है, शेयर पे ऑप्शन ए रहा है मेरा मॉडल, तो स्कैन आएगा। तो उस पर आपको सेंड, यहाँ से सेंड वहाँ तो स्कैन कर लेना है। तो स्कैन कर लेने के बाद ए ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे देख सकते हो, आपका ऑटोमेटिक जाना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। आई होप ये वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल में ऐसे वीडियो देखने के लिए मिलता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।